मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, सरकार गठन के 3-4 दिन बाद। ये सब विषय जो है हमारे लायक नहीं है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। जो जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। लेकिन विभाग का भी बंटवारा नहीं हो रहा है करण जी, आप इतने दिन से ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और हम लोग के बड़े नेताओं का ये विषय है। वहाँ आप अप्रोच कीजिएगा, वहाँ से पूछिएगा, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। हमसे पूछने पर तो कुछ जानकारी आपको मिलाएगा। वो तो जो नियम है, प्रक्रिया है, जो कानून कहता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। बहुमत मिल जाएगा ना आपको 12 तारीख को? विधानसभा अध्यक्ष अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसमें कहाँ संशय की स्थिति है? कहा जा रहा है कसम कस है, माहौल बना हुआ है। कोई कसम कस नहीं है, अखबार में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया पर कसम कस चलता है। सारे लोग इंटैक्ट हैं और मजबूती से नीतीश कुमार जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। पर तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि अभी खेला बाकी है। अरे भाई, हम अगर किसी को, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़े तो हम दुनिया को बिगाड़ सकते हैं, ये कौन बात है? जिन जो हटते हैं वो कुछ न कुछ बोल करके अपने मन को ठंडा रखते हैं, जब जगह से बेजगह होते हैं तो कुछ बात कह के अपने समर्थकों को थोड़ा टाइट रखते हैं। तो ये सब तो राजनीति में चलता रहता है, हम लोग आज से थोड़ी देख रहे हैं। आरजेडी का ये कि पेज फंस गया है मंत्रिमंडल विस्तार में, नहीं आरजेडी को कैसे मालूम है? वो थोड़ी शामिल हैं जो पेज में पेज फंसा रहे हैं। कोई पेज नहीं है, सब स्मूथ है, सब सही है, सब अच्छा है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है, बिहार में हुआ कि झारखंड में मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। देखिए, कानून के हिसाब से ये सब सारी कार्रवाइयाँ चलती है और एकाएक इस तरह की कार्रवाई नहीं चलती है। पहले जांच पड़ताल होता है, जांच पड़ताल के बाद कुछ चीज़ें सामने आती है तभी इस तरह की कार्रवाई होती है। तो जिन नियम से, कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा गया है, कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के चीज़ें सामने आ रही है वो पहले से जाँच होती रहती है और कहीं कुछ पता चलता है तभी इस तरह की कार्रवाई होती है। तो जो भी कार्रवाई हो, इतना बात जरूर कहेंगे कि नियम से हो, कानून से हो, कानून को ताक पर रख के कोई कार्रवाई नहीं हो। ये कहते रहे हैं कि भाजपा जो है ईडी को मोहरा बनाती है, ऐसा कुछ है क्या? आप लोग कहते रहे हैं शुरू से विपक्ष में जब से कि भाजपा मोहरा बनाती है ईडी को। मैं ये भी कहता रहा हूँ कि कानून अपना काम करता रहता है, चाहे विपक्ष में कोई रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे, कानून अपने हिसाब से काम करता है। स्पीकर को लेकर मामला फंस रहा है क्या? स्पीकर को लेकर मामला फंस है? विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जब समय आएगा तो सारे चीज का हल निकल जाएगा। सब समय आने दीजिए, सब समय पर होगा, नियम से होगा, कानून के तहत होगा और सारे चीज हल कर लिए जाएंगे। आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया है, इसलिए मैंने तो कहा कि जो भी चीज़ें चलती है नियम से, कानून के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है और सब समय पर होता है। धन्यवाद।